तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म। जी हाँ, यूजर फॉर्म आपके साथ डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से यूजर फॉर्म का यूज होता है। जब हमने वीवीए स्टार्ट की थी तो मैं बताया था कि वीवीए के तीन प्रोडक्ट है, तीन पार्ट है। पहला था माइक्रो प्रोग्रामिंग जो की मैंने बात की, दूसरा था आपका फंक्शन जो की मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और तीसरा था इंटरफेस मतलब की यूजर फॉर्म जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक सिंपल सा डेटा शीट बनाता हूं पहले, जिसमें हमारा ए आईडी है, डेट, टाइम, और इसमें फिर नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, और ए यहां पे आ जाएगा अमाउंट। छोटा सा मैं फॉर्म बना रहा हूं, तो चलिए मैं फॉर्म को डिजाइन करता हूं। यूजर फॉर्म को इंसर्ट यूजर फॉर्म, और मैंने इसको यहां से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले आईडी जो है हमारा ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो लेवल लेते हैं, और यहां पे हम आईडी और आईडी में मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लिया, और ये ऑटोमेटिक डिजाइन होगा या तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। उसी तरीके से हमारा डेट एंड टाइम, सर नीचे करता हूं, और यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं कि डेट और टाइम है। यूजर फॉर्म का डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से जैसे आप पेंटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से है। और इसमें अगर बहुत ही इंटरेक्टिव और अच्छा दिखने वाला यूजर फॉर्म बनाते हैं तो उतना आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, फिर नेम, तो मैं यहां नेम के लिए बनाता हूं, फिर यहां सिटी के लिए, और यहां पे अमाउंट के, और इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां फॉर्मेट में अलाइन कर देता हूं लेफ्ट में, और उसके बाद मेक ए सेम साइज है बोथ आइटम, नहीं आई बोथ कर लेता हूं। उसके बाद इसके आगे मुझे इसका एम देना पड़ेगा, हेडिंग इसका, तो लेवल हेडिंग के लिए हम लेबल इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले ही बताया था इस चीज को आपको। तो मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे सिटी, और उसके बाद बटन्स में हमें चाहिए, एक बटन चाहिए सबमिट का, सबमिट, दूसरा बटन चाहिए क्लियर का, जो इसको क्लियर करे। और नीचे थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, और इसको भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट में लेके सेम साइज हाइट एंड बोथ कर देता हूं। ओके, यूजर यहाँ पे यूजर फॉर्म वन आ रहा है, इसके जगह पे मैं देता हूँ डेटा एंट्री, और साथ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी हेडिंग हो, तो मैंने लेवल को लिया और यहाँ पे हम दे देते हैं डिटेल्स
एंट्री फॉर्म। सर मैं थोड़ा म्यूट कर देती हूँ, पीछे से आवाज आ रहा है। इसमें थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैं लेवल को सिलेक्ट किया और यहाँ आपके सामने फॉन्ट आएगा। साइज जो है फॉन्ट से ही ले पाएंगे आप, तो यहाँ आ गया। तो बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड कर दिया। अंडरलाइन होना चाहिए और इसकी साइज हमने 16 कर दी, तो इस तरह से दिखेगा। तो अब मेरा फॉर्म का डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। तो डिजाइनिंग बड़ी बात नहीं है, वो तो आप लोग भी बना सकते हैं। अब बात आती है इसके अंदर कोडिंग की। जैसे हमने फॉर्म स्टार्ट किया, आईडी ऑटोमेटिक आना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे दीजिए इनिशियलाइज। तो आपको एक इवेंट सिलेक्ट करना होता है कि मेरा कोड फॉर्म के किस एक्टिविटी पे कब बढ़ेगा, मेरा फॉर्म किस एक्टिविटी पे कितना कब बढ़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझे? हमने इनिशियलाइज किया, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आईडी क्रिएट करना है, जो कि डेटा शीट्स में। तो यहाँ पे हम देते हैं कि आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स होगा मैक्स। और इसमें हमने बोला कि रेंज ए से ए होना चाहिए, लेकिन किसका रेंज, तो यहाँ पे सीट्स के नेम आपको बताने पड़ेंगे। सीट का नेम बताना था। तो शीट्स का हमने यहाँ पे शीट्स में हमने बोला डेटा डॉट रेंज, और फिर हमने इसमें प्लस वन कर दिया, ये आईडी जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मी, मतलब कि एक्टिव फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब टेक्स्ट बॉक्स वन है क्या है, कैसे पता चलेगा, इस पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स वन है। आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने इसका नाम आईडी कर दिया तो क्या होगा कि अब आपको कोड में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन के जगह पे आईडी लिखना पड़ेगा। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर आता है मी डॉट, यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू ए, फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट वैल्यू, इसमें टाइम था तो हमें यहाँ पे देना होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में मुझे देना होगा नाउ कॉमा एच एच स्लैश एम एम स्लैश एस एस। इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा फॉर्म अपीयर होगा एक ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, लेकिन ये कोई चेंज भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन इसको चेंज ना कर सके, तो मुझे इसकी एडिटिंग को डिसेबल करना होगा। कैसे, फॉर्म को सेलेक्ट करें और नीचे यहां आप देखेंगे तो फॉर्म की प्रॉपर्टी में अनेबल आएगा, अनेबल ट्रू है उसको फॉल्स कर दीजिए। और ये आपको जिसको उसको करना है सबको सिलेक्ट करके फॉल्स करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जब मेरा फॉर्म अपीयर हुआ तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया और ये डिसेबल हुई। अब मैं इसमें जो भी फिल करूं सबमिट करते ही ये इसके ऊपर डल जाए सारी इंफॉर्मेशन। तो किस पे क्लिक करने से, सबमिट पे क्लिक करने से। तो सबमिट बटन पे क्लिक किया और हमने यहां पे दिया रेंज 65,000
dot and x less r dot offset 1, 0 dot value equal to id dot value. और किसका? तो ये हमारा id dot value, इसमें me भी लगा सकते हैं कि me dot id dot value. अब यहां पे हम करेंगे sheets data, यह हमने दे दिया. अब इसको कॉपी करते हैं, यहां पे जीरो पे वन हो जाएगा. वो सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे जो आपको याद होगा मैंने बताया था किसमें, सीट फॉर्म में. ये किरण जी, किरण जी बस सर, सीट फॉर्म याद है आपको? सॉरी सर, सीट फॉर्म, एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा जो हमने भेजा था. हाँ हाँ हाँ. तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा. 3, 4 ये हो गया आईडी, डेट, टाइम, नेम, 5 सिटी. सर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, 4, 5 इस सीक्वेंस में आ रहा है तो इसमें लुक नहीं लग सकता? नहीं, आपको 1 by 1 ही लिखना होगा. अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स पे लुक नहीं लगता. नेम है ना, तो ये आपका आ गया 6 तक. मतलब कि आप देख लीजिए डेटा में 6 हेडिंग है आपके, 6 हेडिंग है और 6 तक हमने, नहीं 7 है, आधे एक जीरो से स्टार्ट हुआ ना, नहीं 7 भी है. ये हो गया आपका आईडी, ये आपका हो गया डेट, टाइम, नेम, सिटी, अमाउंट, सही तो है? अच्छा, इसमें एरिया भी है, एरिया का एरिया हमने डिजाइनिंग किया. ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगा एक बार देख लेते हैं. मैं यहाँ पे दे दिया पूजा, सिटी दे दिया मैंने नेम, सिटी में दे दिया पुणे, और अमाउंट हमने डाल दिया और हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया. तो आ गया सबमिट. करने से अभी सबमिट डायरेक्ट हो गया, इसमें वैलिडेशन लगाते हैं. सबमिट करने से पहले मुझसे पूछे डू वांट टू सबमिट दिस डेटा, और मुझे शो करे कि मैं क्या सबमिट करना चाहता हूं. बात समझे? यहां पे सबसे पहले तुम्हें देना होगा डिम एम एज ए स्ट्रिंग, और यहां एम इक्वल टू डालेंगे यू वन डेटा, और इसके साथ हमने लिख दिया वीवी न्यू लाइन, और दो लाइन चाहते हैं, एक और लाइन हम यहां पे दे देते हैं वीवी न्यू लाइन. और फिर एम इक्वल टू हम करेंगे एम के साथ हमने एम परसेंट दिया और हमने लिखा यहाँ पे नेम पहला है, नहीं आईडी है, एन परसेंट हमने बोला वीवी टैग, एन परसेंट हमने बोला डेट, आईडी हेडिंग दे रहा हूं ना मैं, डेट एंड वीवी न्यू लाइन, नहीं वीवी टैग होगा ना, डेट को एक मिनट, इसमें इंपॉर्टेंट को हमें डालना है टैग, और हमने दे दिया टाइम एंड
यहाँ पे नेम जीडी टैब एंड, हालांकि देना जरूरी नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे देंगे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। टैब मैं यहाँ पे इसको एड कर देता हूं और मैसेज बॉक्स में MSG बॉक्स के अंदर में अगर हम एम करते हैं तो आप देखेंगे, मैं सबमिट करता हूँ, देखा ना, आईडी डेट टाइम नेम सिटी अमाउंट। आप देख रहे हैं कि डेट और टाइम के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है। वीवी टैब दो बार लग गया है, अब सही है। फिर m इक्वल टू m के साथ m परसेंट होगा वीवी न्यू लाइन और फिर हम इस लाइन इसको कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं। अब जहां हमने मैनुअल दिया हुआ है ना उसी के जगह पे उसका हमें दे देंगे आईडी डॉट वैल्यू। डेट में हम क्या करेंगे, मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू, ठीक है। टाइम के लिए हमारा हो जाएगा टेक्स बॉक्स थ्री डॉट वैल्यू, इसके लिए हो जाएगा टेक्स बॉक्स फोर डॉट वैल्यू और सिटी हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स फाइव डॉट वैल्यू और अमाउंट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स सिक्स डॉट वैल्यू। एक बार मैं इसको दिखाता हूं कैसे होगा। पूजा सिटी में दिल्ली और अमाउंट में हमने ये डाल दिया, जब सबमिट करेंगे तो ये मैसेज शो करेगा, ठीक है सर। के बाद फिर भी अभी भी इसमें है, हमें करना है m इक्वल टू m के साथ हमने किया वीवी न्यू लाइन और मैसेज दिया हमने इफ यू वन इफ यू वन रीच और फिर मैसेज बॉक्स के लिए हमें यहाँ पे k इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, इसमें हमने दे दिया m कॉमा बटन्स, बटन्स में हमने दे दिया वीवी Yes and no, comma title में confirm, अब यहां नीचे and हटा देता हूं मैं, यहां पे कंसिडर करना है कि if k equal to vv no then exit, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे दो आ गया डेट आ गया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ ओन हमने अमाउंट दिया, जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब इस देखिए इसमें क्या है, यस पे क्लिक किया तो डेटा एंट्री हो जाएगा, नो पे क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, जैसे यस पे किया आपका पूरा डेटा क्लिक हो। और ऐसा होने के बाद दो चीजें करनी, जैसे डेटा सेव हो गया तो ये सारे चीज को क्लीन करना है और ये जो आपको दिख रहा है ना टाइम और डेट और आईडी को दोबारा से अपीयर करना है, तो अब तो आईडी तीन हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्लियर मुझे यहां क्लियर से भी करना है, पहले तो मैं यहां पे आईडी को रिफ्रेश करता हूं और क्लियर करता हूं, तो उसके लिए क्या है कि हमें दो तीन जगह पे करना है, तो हम यहां फंक्शंस बनाते हैं।
फंक्शन। सबसे पहले तो अपडेट apt ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये जो ऊपर में हमने ये जो हमने कर रखा है इसको कट करके हम यहां पे डालते हैं, और यहां पे हम क्या कर देते हैं, कोई कोई ऐसा ले लीजिए कि p इक्वल टू upt ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां यहां भी p इक्वल टू upt ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या हुआ कि मुझे इस दो कोड को हमें यहां भी लिखना पड़ता और यहां भी लिखना पड़ता, हमने फंक्शन बना के दोनों जगह पे कॉल कर, तो एक जगह पे लिखने का जो टाइमिंग है और जो डेटा है वो तो बच गया। क्या सर ऐसे क्लियर करने का है तो यहां हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस cl ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मुझे जो है सबको क्लियर करना है, तो क्लियर हमें टेक्स्ट बॉक्स से टाइम जो नेम सिटी अमाउंट करना है, तो मी डॉट ये आपका आईडी टेक्स्ट बॉक्स फोर, टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट, इसमें क्लियर नहीं होता है, इसमें वैल्यू को हम ब्लैंक कर देते हैं, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स फाइव डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स सिक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहां पे भी हमने मान लीजिए p इक्वल टू cl ब्रैकेट ओपन क्लोज, और एक जगह और अप्लाई करना क्लियर पे, तो यहां भी हम कर देते हैं p इक्वल टू cl ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया समझ में आया सुहाग जी? सुहाग जी हेलो, समझ में आया फंक्शन क्यों यूज किया हमने? हाँ सर, यस सर, यस, हम कोड दो तीन जगह पे लिखना हो तो इसके लिए हम एक फंक्शन में डाल देते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं, तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरा फॉर्म पूरी तरह से रेडी है, अपीयर हुआ यहाँ पे हमने दे दिया मान लीजिए जीतू, सिटी में दे दिया पुणे, अमाउंट दे दिया, सबमिट भी किया, मुझसे पूछा, हमने यस किया, यस करते ही डेटा एंट्री होगी और क्लियर भी होगी, और यहां पे देखिए फोर भी आ गया। मैसेज चाहते हैं तो आप लास्ट में मैसेज बॉक्स लगा दीजिए, यहां पे लास्ट में MSG बॉक्स डेटा, लेकिन इसमें ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या तो इसके लिए क्या उपाय है? तो इसके लिए तो जैसे कि इन्होंने भेजा था, आपने जो भेजा था किरण जी उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहां यूजर फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। Have या have been अब English language थोड़ी सी weak है मेरी, जो form में अब जैसे initialize होगा user form two हमारा, यहाँ पे यूजर फॉर्म और यूजर फॉर्म टू में यहाँ पे हम कर देते हैं इनिशियलाइज, इनिशियलाइज में हम बोलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ प्लस टाइम वैल्यू, इसमें हमने जीरो 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 टू सेकेंड्स का वेट दिया,
के बाद फॉर्म टू, ओके यूजर फॉर्म वन है ना, नहीं 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 यहाँ पे हमने नेम दे दिया सेव्ड का, हाँ सेव्ड का नाम दे दिया हमने, वो सेव अनलोड सेव, देखिए क्या होगा यूजर फॉर्म को हम रन करेंगे, डेटा आ गया, हम यहाँ पे देते हैं टी टू, हमने यहाँ पे सिटी दे दिया, सबमिट पे क्लिक किया, यस ओ समझ गए समझ गए, छोटी सी गलती हो गई, हमने उसको कॉल तो किया ही नहीं, हमने करना था सेव डॉट शो, अब हो जाएगा टू टाटा और हमने अमाउंट डाल दिया, यस और यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है और टाइम वैल्यू के स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑब्जेक्ट ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, सर वहां पे जो यूजर फॉर्म का नेम जो है वो तो यूजर फॉर्म टू ही दिखा रहा है, ओ अच्छा और में हेडिंग है ना, हमने यूजर फॉर्म का नाम चेंज कर दिया था कि कैप्शन चेंज करना चाहिए, इसमें मैं नीचे एक और यहां पे कर देता हूं यूजर फॉर्म वन डॉट शो, प्रॉब्लम है लग रहा करेंगे हम, यस करेंगे तो कुछ सेकेंड्स के लिए शो होगा और अपना बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना, तो हमने क्या किया एक एक फॉर्म डिजाइन किया जिसमें हमने लिखा और उसमें हमने बोला कि जब ये एक्टिवेट हो तो 2 सेकेंड के लिए एप्लीकेशन को होल्ड कर दे और फिर ये यूजर फॉर्म फुल हो जाए, हाँ सर सर हेलो हेलो
सर ये तो समझ में आ गया, मैं आपको वो व्हाट्सएप की थी इन्फो बॉक्स वाला, मुझे एक बार समझा दीजिएगा ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा दूंगा, तब तक की प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपने बताया मैंने आपको कि आप यूजर फॉर्म से डेटा एक्सेल सीट पे कैसे ला सकते हैं। अगली क्लास, कल की क्लास में हम बताएंगे आपको कि सीट से डेटा यूजर फॉर्म पे कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू। Yes, sir.